क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि 1 to 85 तक हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 85 आर डिविजिबल बाय 7। एक से लेकर 85 तक 7 से विभाज्य कुल कितनी संख्या है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या पता करना है, ये क्वेश्चन जो हमें कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको 1 to 85 यानी एक से लेकर 85 तक आपको वो सभी नंबर्स काउंट करनी है जो 7 से डिविजिबल हो, यानी कि जिन नंबर्स में 7 का भाग जाता हो ऐसे सभी नंबर्स आपको पता करनी है। अगर आप वैसे लिखना चाहो तो कैसे क्या लिखोगे सर, 7, 14, 21, 28, 35 इस तरह हम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह फिर लास्ट तक हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स लेकर काउंट करेंगे। तो इस तरह तो अगर ये तो 85 तक है, अगर बड़ा नंबर होगा तब तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमें ऐसे नहीं करना, यानी कि आपको इस ग्रुप में जितने नंबर्स है ना वो सभी नंबर्स आपको क्या करनी है, काउंट करनी है। वो सभी नंबर्स आपको क्या करनी है, यहाँ से सभी नंबर्स आपको काउंट करके ये बतानी है कि टोटल नंबर्स कितनी है। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, इसके अलावा आपके लिए मैं एक दूसरा मेथड बताता हूँ, आपको उस मेथड का यूज करते हुए आपको काउंट करनी है, ठीक है। अब देखिए वो मेथड क्या कहता है, वो मेथड कहता है कि सबसे पहले आप आपके पास में आपको जहां तक आपको काउंट करना है, आपको कहां तक काउंट करना है, 85 तक, कहां से स्टार्ट करना है, 1 से। तो सबसे पहले जो आपके पास में लास्ट नंबर जहां तक आपको जाना है, जो आपके पास में 85 है, 85 में किससे डिवाइड करना है, 7 से, तो इसमें डिवाइड कर दीजिए, फिर लगाइए माइनस। और जहां से आपने स्टार्ट किया है, कहां से किया सर, 1 से स्टार्ट किया है, इसमें भी 7 का डिवाइड कर दीजिए। तो एक तो आपको क्या करना है, लास्ट नंबर में 7 का डिवाइड करना है जहां तक जाना है, एक आपको जो फर्स्ट नंबर जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो उन दोनों में जिस नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, उस नंबर का डिवाइड करना है। देखिएगा सबसे पहले 85 में हम क्या करते हैं, 7 का डिवाइड करते हैं, 7 बन गया 7, माइनस किया कितना आया सर 1, इसके बाद में यहां से लिया कितना आया 5। अब बताइए 7 2 जो कितना होगा 14, क्योंकि 7 को 2 से गुणा करते कितना आता है 14, कितना रहेगा 1। आपको केवल यहां तक रख के छोड़ देना है, इसके आगे नहीं करना पॉइंट में। अब देखो क्योंकि इसके बाद में कोई नंबर नहीं है यहाँ से ऊपर लाने के लिए, इसलिए ये यहाँ पर जाके क्या हो गया, भाग अपना पूरा हो गया। ये वाला नंबर कितना आया आपके पास में, कितना आया 12, ये नंबर यहाँ लिख देना है माइनस। अब देखिए अगर 1 में आप 7 का डिवाइड करोगे तो आप कहोगे कि सर ये तो 1 तो 7 से स्मॉलर है, यानी कि एक तो 7 से छोटा रह गया, और छोटे नंबर में डिवाइड करते तो सबसे पहले 0 लिखते हैं क्योंकि भाग तो जा ही नहीं सकता ना। इसलिए ये बात भी ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी कि कोई नंबर छोटा नंबर दिख जाए, अगर आपको छोटे नंबर में किसी बड़े नंबर का भाग देना हो, यानी कि स्मॉलर नंबर में ग्रेटर नंबर का डिवाइड करना हो, तो हमेशा आपको क्या लिखना है 0, क्योंकि 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तभी तो इसका आंसर बनेगा जो हम डेसिमल में पूरा सीखेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप स्मॉलर नंबर में किसी ग्रेटर नंबर का डिवाइड कर रहे हो तो आप क्या इतना लिखोगे क्वेशेंट या फिर भागफल 0 लिखोगे, यानी कि अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग कर रहे हो तो आपको भागफल यानी कि यहाँ पर आंसर कितना लिखना है 0, और इधर का भागफल कितना आ गया 12 या 12, अब इन दोनों को माइनस कर लेना है, कितना आंसर है आपके पास में 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 to 85 एक से लेकर 85 तक 7 से डिविजिबल 7 से विभाज्य कुल कितनी नंबर्स हैं, तो आप कहोगे सर 12 नंबर्स हैं। कैसे पता किया सर, सबसे पहले लास्ट नंबर में 7 का डिवाइड किया, फिर फर्स्ट नंबर में 7 का डिवाइड किया, दोनों को माइनस किया, और माइनस करने पर हमारे पास में आंसर कितना आ गया सर 12 आ गया। चलिए जिन भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट हो वो अपना हैंड रेज कीजिएगा, और बाकी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सोल्व करके उसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए अंशिका, रुकिए बात को सुनिया करो, थोड़ा सा बात को सुनो, है ना, थोड़ा सा सुनो बात को। मैं कह रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डाउट है अपना हैंड रेज कर दीजिए, और जिन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया वो क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व कीजिएगा। हाँ मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक आपको हिंट दे देता हूँ, जो ये up to 500 लिखा हुआ है ना, इस up to 500 का मतलब होता है 1 to 500, बस इसका ध्यान रखना है ना, क्योंकि up to तो स्टार्टिंग होता है, 500 तक इसका मतलब होता है एक से लेकर 500 तक, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी ये डिटो वही क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर भी। अब कोशिश करो एक बार, जिनको डाउट अपना हैंड रेज करके रखो, उनका मैं डाउट क्लियर कर देता हूं और बाकी स्टूडेंट्स को सोल्व कीजिएगा।
करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिनको भी डाउट हो हैंड रेज करके रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो 500 up to 500, ठीक है, 500 तक कितने से डिविजिबल पता करना है हमें, 13 से डिविजिबल पता करना है, 13 से विभाजित कुल संख्याएं पता करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा हमने पिछली बार किया था सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, देखिए कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि सर हमें अप टू 500 500 तक हमें पता करना है, और कितने से डिविजिबल पता करना है सर, 13 से डिविजिबल पता करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अप टू 500 का मतलब क्या है, 500 तक का मतलब क्या है। ये इसका मतलब होता है सर 1 to 500, कितना होता है, 1 to 500 होता है, ठीक है। अब जब हमने इसका पता चल गया कि सर ये अप टू 500 1 to 500 होता है, कितने से डिविजिबल पता करना है, 13 से। सेम वही काम, पहले लास्ट नंबर में फिर फर्स्ट। एक बार क्लास को लीव करके वापिस ज्वाइन करो। तो सबसे पहले लास्ट नंबर में, लास्ट नंबर कितना है 500, उसमें 13 का डिवाइड करेंगे, माइनस फर्स्ट नंबर में 13 का डिवाइड करेंगे। ओके, अब देखिएगा, आप अगर 500 में 13 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 13 3 39 और 13 4 52। तो आप क्या कहोगे सर, 13 3 39। अब 39 मान लो आपको 50 में से 39 माइनस करना है, कैसे करोगे आप, जैसे नॉर्मल करते हो वैसे, तो वैसे इसके अलावा क्या कर सकते हो सर, 39 और 40 के बीच में एक तो यहाँ रह गया, और 40 से 50 जो 10 ये रह गया, क्योंकि 40 से 50 कितना होता है 10, और 39 से 40 सर 1, तो टोटल कितने हो गए सर 11। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोबारा देख लो, जैसे आपके 39 था, आपको 50 पर जाना था, तो 39 से 40 तक कितना रहा 1, और 40 से 50 कितना रहा सर 10, तो 10 और 1 टोटल कितना हो गया 11, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा सर 0। अब क्या करेंगे सर, अब तो क्या करेंगे सर, 13 8 जा 104 होगा सर। अब 13 8 जा 104 माइनस किया तो कितना आ गया, यहाँ पर तो 6 आ गया, इसके आगे हम डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर आपके पास कोई भी नंबर नहीं है। अब इसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा सर 38। तो इसका तो कितना आ गया 38 माइनस, सर ये तो स्मॉलर रह गया, ये तो छोटा नंबर है, तो यहाँ पर तो 0 रहेगा डिवाइड करने पर, तो माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 38, कितना आ गया 38। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो रहा सर वो कितना रहा 38, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सर मुझे एक बार और समझा दीजिए। सुन लो फिर, देखो आपको अप टू 500 500 तक आपको पता करना था, 13 से डिविजिबल पता करना था। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अप टू 500 500 तक इसका मींस क्या है, तो इसका मींस होता है सिर्फ 1 to 500, कितना होता है 1 to 500। अब जब डिविजिबल हमें पता करना होता है, कुल नंबर हमें पता करनी होती है, टोटल नंबर हमें पता करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले लास्ट नंबर में उसी नंबर का डिवाइड करते हैं, फिर फर्स्ट नंबर में उसी नंबर का डिवाइड करते हैं। तो लास्ट नंबर था हमारे पास 500 जिसमें 13 का डिवाइड किया, माइनस तो आपके पास फर्स्ट नंबर था 1 उसमें 13 का डिवाइड किया, और इस तरह जब 500 में 13 का डिवाइड किया तो हमारा जो भागफल या क्वेशेंट आया वो सर 38 आया, 1 में जो 13 से स्मॉलर है 13 से छोटा रह गया, इसलिए यहाँ पर तो 0 लिख देंगे। अब 13 माइनस 0 कितना आएगा 38 आ जाएगा। चलिए, जिनको अभी भी डाउट है हैंड रेज करके रखो और बाकी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए और उसका आंसर सेंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को सुनिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सर, ये कह रहा है हमें कि सर फाइंड द टोटल नंबर बिटवीन, क्या लिखा हुआ है बिटवीन, बहुत ध्यान से, जो बिटवीन है ना इसका तो बहुत ध्यान रखा करो, 15 and 160, दैट इज डिविजिबल बाय 24। सर 15 तथा 160 के बीच 24 से विभाज्य कुल संख्या याद करो, ध्यान रखना बिटवीन का, हर बार मैं आपको इसीलिए बार बार कहता हूँ सर बिटवीन का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बिटवीन में क्या होती है हमसे गलती हो जाती है, क्या गलती होती है वो अभी सिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास में लिखा हुआ है बिटवीन 15 and 160, अब देखना ये लिखा हुआ है बिटवीन 15 and 160, यानी कि क्या लिखा हुआ है 15 तथा
160 के बीच, 15 तथा 160 के बीच, और कितने से डिविजिबल, जो आपको पता करना है 24 से डिविजिबल पता करना है। अब सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि इसका मींस क्या है। अगर आपको इसको लिखना होगा तो बिटवीन या के बीच को लिखोगे क्या, इस बात को आप समझ गए ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और हर जगह आपका इजी रहेगा। ठीक है, बिटवीन का समझना। देखो इसने क्या कहा कि 15 और 160 के बीच, यानी इन दोनों के बिटवीन चाहिए, यानी कि इन दोनों के बिटवीन चाहिए। इसका मतलब कि ये दोनों नंबर तो काउंट ही नहीं होगी, ये दोनों नंबर तो काउंट ही नहीं होगी, हमें तो इनके बिटवीन चाहिए, इनके बीच में चाहिए। तो इस नंबर को आप कैसे काउंट कर सकते हो, इस नंबर को कैसे काउंट कर सकते हो, इसका मतलब कि 16 से स्टार्ट करना है और 159 तक जाना है, इस बात का ध्यान रखना। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है, इनके बीच में, इनके बीच में ना तो ये नंबर आएगी ना ही ये नंबर आएगी, इन दोनों के बिटवीन। अब देखिए लास्ट नंबर कितना हो गया सर, लास्ट नंबर जो बना हमारे पास में वो 159 रहा, और फर्स्ट नंबर कितना रहा 16, माइनस करना है किसका, डिवाइड करना है सर 24 का, क्योंकि 24 से डिविजिबल पता करना है। चलिए दोनों में 24 का डिवाइड करते हैं, 24 का किसमें, 159 में। अब देखो 24 का 159, तो सर इसमें तो अब आसानी से कर दोगे। अब मान लो आपको 24 की टेबल नहीं, ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे। सर हाँ सर 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 वहां जाकर फिर 15 लिखा था सर, उसको 15 की जगह 14 नहीं करना। एक मिनट, आप अपना हैंड रेज करके बताओ। ठीक है, देखो अगर आपको 24 की टेबल नहीं आती तो क्या करोगे, सुनो 24 लिखना है। अब आपको ये देखना है यहां पर कितना सर 150 है, अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12, और यहाँ पे कितना है 15। अगर 2 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर 14। ठीक है, इसको आपने 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 7 7 4 जे कितना होता है, फिर 4 7 जे कितना होता है सर, वो 28 होता है। अब देखो ये 8 तो यहाँ रखो, इन दोनों को बीच वालों को ऐड कर दो, कितना हो गया 8, 4 और 2 6 और 1 168, यानी कि 24 7 जे कितना हो गया 168, तो से ज्यादा है, इसका मतलब 24 6 जे देखते हैं, 4 6 जे कितना हो गया 24, इन दोनों को बीच वालों को प्लस कर दो, 4 रहेगा 4 रहेगा और 1 रहेगा, तो कितना आ गया 144। देखो हमने क्या लगाया, एक अज्यूम किया, कैसे अज्यूम किया सर, हमें पता था कि इसको 150 के पास तो जाना ही पड़ेगा। अब आप अगर कहोगे सर 48 क्यों नहीं आ सकता, तो ये तो वैसे ही नहीं आ सकता, तो क्यों 2 से लिखे हम सीधा 6 पे चले जाने, हमें पता है 2 6 12 होता है और 2 7 14 होता है, हमने फिर 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई किया और 4 को 6 से भी किया, फिर दोनों का अंदर वाला हमने ऐड कर लिया। ये तो चलो 24 की टेबल तो आपको पता है, कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता, उनको हम याद करवा देंगे, लेकिन कभी आपके पास में ऐसी टेबल आ जाए या फिर ऐसी टेबल आ जाए तब क्या करोगे उसकी, तब आपको ये वाले टाइम आपको यूज करना है, इस मेथड का वहां पे यूज करते हुए आपको क्या करना है, उसको सोल्व आउट करना है, अज्यूम करना है। और मैं इसीलिए बार बार आपको क्या करूंगा, जब भी डिवाइड आएगा, अगर कोई बड़ा डिवाइड आएगा तो मैं क्या करूंगा, बार बार आपको मैं इसी तरह से कर करके बताऊंगा कि ताकि आप अज्यूम करना सीख जाओ कि हाँ अगर अपने पास में कहीं डिवाइड है तो उसको कैसे अज्यूम करना है, क्योंकि अगर पूरी टेबल लिखेंगे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, इसलिए हम क्या करना है, हमें अज्यूम अजम्पशन पे भी जाना है ना, हमें ऑटोमेटिक हमें अज्यूम भी करना है कि क्या सर इतने से सीधा मल्टीप्लाई करके देख ले तो कितना बच गया हमारा टाइम, 1 से 2 3 4 5 तक का टाइम बच गया ना हमारा, बस इसी तरह हम क्या करेंगे, टाइम को बचाने की भी कोशिश करेंगे। तो हम क्या सीखेंगे, अज्यूम्शन भी सीखेंगे, साथ में ये भी सीखेंगे उसको सोल्व आउट कैसे करते हैं। ठीक है, अब सीखेगा तो 2 6 24 6 कितना हो गया 144, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ गया सर 1 आ गया, इसके आगे डिवाइड होगा नहीं तो कितना हो गया 6, तो यहाँ हो गया माइनस सर, ये तो इससे स्मॉलर है तो ये तो 0 रहेगा, 6 माइनस 0 कितना होगा, आंसर हमारा 6 रहेगा। अब दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहले बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन लिखा हुआ है बहुत ध्यान से समझना, बिटवीन लिखने का ही मतलब देखो, अगर बिटवीन 15 एंड 160 लिखा हुआ है, और अभी अभी एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर 14 क्यों नहीं ले सकते, आप एक बात बताओ, आपको मैं कहूं कि आप देखो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सिखा रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे ये एक बच्चा है, ठीक है, और इसका नाम है मयंक, ठीक है, इसके बाद में ये है अपने देवांश, ठीक है,
और इसके बाद में अगर हम देखें तो ये आ गई हमारे रिधिमा, और उसके बाद में अगर देखें तो हमारे कौन आ गए, जानवी, और उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पर आ जाता है अपने गौरव। अब सुनिए बात, ठीक है, अब एक बात समझना है यहां से। मैं आपको कहूं कि इस देवांश और जानवी इनके बीच में कौन है, तो आप ये थोड़ी कहोगे सर मयंक और गौरव इनके बीच में, अरे आपको इन दोनों के बीच में देखना है, तो कौन, आप क्या कहोगे सर ये रिधिमा बीच में। बस यही रहता है कि जब आपको ये पता है कि इन दोनों नंबर के बीच में देखना है, तो इन दोनों नंबर के बीच में तो ये नंबर होगी। अब बताओ 14 तो आपका आता है इधर, तो ये 14 कैसे इधर हो सकता है, होगा तो 16 से ही। अब आप इसके आगे थोड़ी जाओगे, आपको तो इधर जाना है, इधर कितना होगा 159, तो बस बीच का मतलब होता है उनके बीच में। अब 15 से तो आगे जाना पड़ेगा, 160 से पीछे आना पड़ेगा, इसके पीछे कैसे जा सकते हैं सर, जब ये है इसके बीच में तो आगे चलो, ठीक है। तो ये वाली कहानी यहाँ पर होगी, और इसी का हमें यूज करते हैं फिर, हम ना तो 15 को काउंट करेंगे ना ही 160 को काउंट करेंगे। जहां भी बिटवीन या के बीच लिखा जाए वहां हमेशा यही काम करना है। ये केवल इस टॉपिक के लिए नहीं है, आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, ऐसे में ऐसे कई जगह टॉपिक्स काम आएंगे, वहां पर इसी तरह आपको बिटवीन का यूज करना है। एक मिनट रुके, हैंड रेस करके रखो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जिनको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। चलो जिनको डाउट है हैंड रेज करके रखो, बाकी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सेंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर बिटवीन, देखो फिर से क्या लिखा हुआ है, बिटवीन 23 एंड 243 डेट इज डिविजिबल बाय 9 एंड 11। इस बार हमें क्या किया, देखो अभी तक हम जो क्वेश्चंस पे देख रहे थे उसमें केवल एक नंबर से डिवाइड करवा था, जैसे 24, 13 और 7। इस बार क्या किया यहाँ पर, इस बार सर हमें टू नंबर एक साथ दे दी, 9 एंड 11, दो नंबर एक साथ दे दिया है, और दोनों नंबर से डिवाइड होने वाले नंबर हमें पता करनी है। तो 23 23 तथा 243 के बीच 9 11 से विभाजित कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब सुनना मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 4, हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 23 एंड 243 बिटवीन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है बिटवीन 23 एंड 243, यानी कि 23 तथा 243 के बीच, 23 तथा 243 के बीच। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना है कि ये क्या कह रहा है सर, जो बिटवीन 23 एंड 243, 23 तथा 243 के बीच, तो सर सबसे पहले हमें ये समझ में आता है कि यहाँ जो हम नंबर्स काउंट करेंगे वो इन दोनों के बीच में काउंट करेंगे। इसका मतलब कि नंबर काउंट करेंगे 24 टू 242। पहली बात तो सर ये, केवल हमें इन नंबर्स पे देखना है, यानी कि ना तो 23 को काउंट करेंगे ना ही 243 को काउंट करेंगे। तो पहला हमें ये बात समझ में आनी चाहिए, बिटवीन लिखे होने का मतलब यही होता है कि सर इन दोनों के बिटवीन होगा, जिसमें ना तो ये काउंट नंबर होगी ना ये काउंट होगी, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है सर, इसके बाद में लिखा हुआ है 9 एंड 11 दोनों से डिविजिबल आपको पता करनी है, 9 और 11 से डिविजिबल, 9 व 11 से विभाज्य कुल संख्या आपको पता करनी है। अब देखिए सबसे पहले हमें 9 से भी डिविजिबल पता होनी चाहिए, इसके अलावा सर 11 से भी डिविजिबल पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनमें 9 से डिविजिबल नंबर्स को निकालते हैं। जब 9 से डिविजिबल निकालेंगे तो रूल तो सेम है, अभी हम केवल, अब देखो यहाँ पर दो नंबर लिखे हुए थे, यहाँ हम अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले 9 से डिविजिबल नंबर्स, सर 242 में 9 का डिवाइड कर दें, क्योंकि लास्ट नंबर आपका यही तो रहा, ये दोनों तो रहे नहीं अब, क्योंकि इनके तो बीच में था, इनके तो बिटवीन था, तो इन दोनों को हटा दिया। इसके बाद में ये नंबर्स रहे, माइनस सर 24 में 9 का डिवाइड करेंगे फर्स्ट नंबर, तो लास्ट नंबर में फर्स्ट नंबर में। चलिए 242 में अगर हम 9 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 टू जा 18, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, 18 माइनस करेंगे देखो, 18 के बाद में 2 अगर ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 20, 20 के बाद में कितना और चलना है सर हमें, 4 और चलना है, क्योंकि देखो अगर आप 18 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में फिर 4 और ऐड कर दो तो टोटल कितना चलेगा 6, तो कितना आ गया 6। ये रहा सर 62 बना दिया। अब देखो 9 में कितना मल्टीप्लाई करें, 9 6 या 54, ठीक है, 9 6 या 54,
54। अब बताओ देखो 54 है, आपको 62 पर जाना है, तो देखो 4 और 6 कितना होता है 10, तो 60 आ जाएगा और 2 आगे वाला आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया सर 26 आ गया। माइनस 24 में 9 का ऐड करेंगे तो सर कितनी टाइम्स आएगा सर 2 टाइम्स, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है, फिर 9 3 जा 27 आ जाएगा। तो 24 में अगर हम 9 का 24 में अगर 9 का डिवाइड करेंगे तो सर 2 टाइम्स आएगा जो 18 रहेगा, ठीक है, तो उसके बाद में 6 रहेगा तो ये 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो 26 में से 2 माइनस करो कितना आएगा 24, तो इसका आंसर कितना आ गया 24 आ गया। चलिए इन सभी को यहां से हटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमने क्या देख लिया सर 9 से डिविजिबल सभी नंबर्स निकाल ली, तो 9 से डिविजिबल तो 9 से विभाजित कुल नंबर्स कितने हैं हमारे पास में 24। इसके बाद में किससे पता करनी है सर 11 से डिविजिबल पता करनी है। चलिए 11 से डिविजिबल नंबर पता करते हैं, सेम कहानी 242 आपका लास्ट नंबर में उसमें 11 से डिवाइड करेंगे, फिर फर्स्ट नंबर जो आपके पास में 24 लिखा हुआ है उसमें डिवाइड करेंगे 11 से। देखो जिन भी स्टूडेंट को डाउट रहे समझ में रहे अपना हैंड रेज करके रखना, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले 11 का डिवाइड करते हैं सर 242 में अगर 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, माइनस किया 2 तो 11 2 जा 22। अब देखो कितना आ गया ये तो आ गया 22, माइनस अगर 24 में 11 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स कितना आएगा 22, इसके बाद में डिवाइड होगा नहीं कितना आ गया 2, तो टोटल आंसर कितना आ गया हमारे पास में सर 20। तो 11 से डिवाइड कितना आ गया सर 20। अब आप कहोगे सर एक काम करो ना 24 और 20 को ऐड कर दो टोटल हमारे पास में 44 रहेगा। नहीं ये मत कर देना, क्यों नहीं कर सकते आप, वो आप इसलिए नहीं कर सकते, समझ रहे हैं एक बात को, यहाँ यही तो बातचीत होती है, इसी बात को तो समझ रहे हैं। आपने 9 से डिवाइड सभी नंबर्स निकाल ली 24, आपने 11 से डिविजिबल सभी नंबर्स पता कर ली 11 से विभाजित 20, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि टोटल 44 होगा, क्यों नहीं कर सकते। इस बात को जो बच्चा ध्यान से समझ लेगा ना वो ऐसे क्वेश्चन को कभी रॉन्ग नहीं कर सकता, क्योंकि यही इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है। यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट करेंगे। और देखो 44 इसमें आंसर भी दिया हुआ है, 44 इसमें आंसर भी दिया हुआ है, मैंने 44 इसीलिए लिखा था इसके अंदर, मुझे पता था कि कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करके 44 कर देंगे, इसीलिए इसमें 44 लिखा गया था आंसर। लेकिन समझना अब इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो वो समझेगा ना उसका एक क्वेश्चन राइट होगा। इसके बाद में क्या है अब समझना, पूरे ध्यान से समझना इस बात को। देखो आपने जब 9 से डिवाइड किया सभी नंबर्स, आपने 24 से 242, 24 से लेकर 242 तक सभी 9 से विभाज्य नंबर्स आपने देख ली, जैसे 27 है, 27 के बाद में 36 है, इसके बाद में 45 है, इसी तरह हमने काउंट करते करते आगे तक चले गए सारे नंबर्स। तो हमने जब 9 से डिवाइड नंबर पता की तो क्या उसमें किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते वो, कैसे, जैसे हमने अगर 24 के बाद में देखे तो 27 आएगा, 36 आएगा, 44 आएगा, 54 आएगा, इसी तरह चलते जाएंगे तो एक 99 भी आएगा, और इसी तरह काउंट करते जाएंगे, तो ये सभी नंबर्स होंगे ना इसके बीच में 9 से डिवाइड। तो क्या ये 27 केवल 9 से होता है, 3 से भी होता है, सिर्फ 3 से भी होता है, 36 4 से भी होता है, 2 से भी काउंट डिवाइड होगा, 9 से भी होगा, 3 से भी होगा, है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं कि केवल 9 से हो। तो अब जब हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 99 एक हमारे पास में ऐसा नंबर है जो 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 11 से भी डिवाइड हो रहा है, और अब नहीं हो रहा है इसमें। और जब 11 वाले हम काउंट करें तो 24 के बाद में बताओ कौन सा आएगा सर, 33 आएगा, 44 आएगा, 55 आएगा, और इसी तरह सर काउंट करते जाएंगे तो 99 भी इसके बीच में आएगा, क्योंकि वो भी तो 24 से लेकर 242 के बीच में 11 से डिवाइड वाले सभी नंबर्स में। अब देखो ये 99 फिर से किससे डिवाइड हो रहा है सर, 9 से और 11 से। अब देखो आपने 99 को कितनी टाइम्स काउंट कर लिया, 2 टाइम्स काउंट कर लिया, 99 को कितनी टाइम्स काउंट कर लिया 2 टाइम्स। अब जब आप 9 से डिवाइड कर रहे हो ना तो इसमें कुछ नंबर्स ऐसी आएगी जो 11 से भी डिवाइड है, और जब 11 से डिविजिबल सभी नंबर्स आप पता कर रहे हो, 11 से विभाजित सभी संख्याएं जब पता कर रहे हो तो उसमें कुछ नंबर्स ऐसी आएगी जो 9 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब कि एक ही टाइप की नंबर दो बार काउंट हो रही, एक तो इसमें काउंट हो रही है, देखो इसका मतलब क्या समझे सर, 9 और 11 से डिविजिबल नंबर इसमें भी आ रही है और 9 और 11 से डिविजिबल नंबर इसमें भी आ रही है, क्योंकि आप ये नहीं कर रहे हो। देखो अगर आप ये लिखते हो ना ओनली 9 तो उसमें फिर ओनली 9 का मतलब केवल 9 से, उसमें फिर 11 वाली नहीं आती। लेकिन आप तो क्या कर रहे हो,
नौ से कह रहे हो, केवल नाइन से कह रहे हो, तो उसमें नौ और ग्यारह दोनों आएगी। जब आप इलेवन से पता करोगे तो उसमें भी नाइन और इलेवन दोनों आएगी। इसका मतलब एक ही टाइप के नंबर आपने टू टाइम्स एड कर ली। तो अब जब ये टू टाइम्स एड हो जाते तो उसको हटाने का क्या तरीका है वो समझिए। तो ध्यान रखना, ऐसे जहां भी क्वेश्चन लिखे आ जाए ना, उसमें क्या करना है, सबसे पहले किसी एक नंबर का करना है, फिर सेकेंड नंबर का डिवाइड करना है, फिर दोनों का बोथ का भी पता करना है। बोथ का मतलब 9 और 11 दोनों से डिविजिबल सभी नंबर्स आपको पता करनी है। तो इन दोनों से बोथ यानी इन दोनों से डिविजिबल सभी नंबर्स भी इसके अंदर क्या करनी है, पता करनी है। सिर्फ 9 और 11 से क्या कैसे करेंगे, तो ध्यान रखो जब भी अगर आपको बोथ या दोनों से डिविजिबल सभी नंबर्स पता करनी है तो सबसे पहले आपको 9 और 11 का एलसीएम करना है। क्या करना है, एलसीएम करना है। एलसीएम करेंगे तो 3 से डिवाइड, तो 3 ये रहा 11, फिर से 3 से डिवाइड किया 1 और ये 11, अब 11 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 कितना आ गया, 3 × 3 × 11 कितना हो गया सर, 3 × 3 = 9 और 11 × 9 = 99। अब हमारे पास में कौन सा नंबर बन गया, 99। इस 99 का यहां पर डिवाइड करना है, 99 का इस 242 में 99 का डिवाइड करना है, माइनस इस 24 में 99 का डिवाइड करना है। दोबारा समझना, देखो हमने बोथ क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि सर हमें वो नंबर्स, देखो 9 और 11 दोनों से 9 वाले में भी है, 9 और 11 दोनों से 11 वाले भी में है, तो यहां से हमें क्या करना है, उन नंबर्स को हमें हटाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब एक ही टाइप के नंबर अगर टू टाइम्स एड हो जाएगी तो डबल टाइम्स एड होगी, डबल टाइम्स एड होगी, तो दो बार थोड़ी हमें काउंट करना है, हमें तो केवल एक बार काउंट करना है पूरे में। तो इसलिए क्या करेंगे, 9 और 11 वालों में से एक बार हटा देंगे। हटाएंगे कब, जब हमें ये पता होगा कि दोनों से डिविजिबल कितने नंबर्स है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वाला काम करेंगे, 9 और 11 दोनों से बोथ, दोनों से जब डिविजिबल नंबर पता करनी होती है तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम करते हैं। एलसीएम हमारे पास में है 99। अब इस 99 का डिवाइड करना है, क्योंकि देखो 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 वाली आएगी, 11 का डिवाइड 11 की आएगी, लेकिन दोनों से कैसे करेंगे, दोनों से फिर 99 का डिवाइड करेंगे एलसीएम करके। अब देखो अगर 242 में अगर 99 का डिवाइड करो तो कितना आएगा, देखो 99 बन गया 99, दो टाइम्स ऐड कर लो, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, अब इन दोनों को ऐड कर लो, ये 8 और 1 कितना हो गया 9, और ये आ गया 1 हमें पता है, और 9 × 3 कितना होता है 27। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ना 99 की टेबल, 99 × 9 = 18, 9 × 2 = 18 कितना हो गया सर 8, अंदर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे तो 9 और ये 1, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 7 तो ये रहेगा, इन दोनों को ऐड कर लो, 7 × 2 = 9 और 2। अब देखो ये 2 टाइम्स रहा ना, 2 टाइम्स कितना आया 198, तो 2 × 198 इसके आगे डिवाइड हो सकता है क्या, एक बार अज्यूम करके देखो, सर यहाँ से कुछ भी लिख लो लेकिन इसके आगे तो नंबर ही नहीं है तो डिवाइड यही रह जाएगा, तो कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स माइनस, अरे सर ये तो इससे स्मॉलर रह गया, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, कितना आया आंसर हमारे पास में सर 2 आया। अब इस बात को समझना, इसके आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। किस तरह, आपने ये भी पता कर लिया कि 9 से डिविजिबल सभी नंबर पता कर ली, ठीक है, आपने 11 से डिविजिबल सभी नंबर पता कर ली, ठीक है, आपने 9 और 11 दोनों से डिविजिबल सभी नंबर भी पता कर ली, लेकिन इसके बाद में क्या करें कि अपना आंसर आ जाए। अब सुनना, आपने जब 9 से डिविजिबल पता की तो ये काउंट हुआ, 11 से डिविजिबल पता की तो भी ये काउंट हुआ, तो एक काम कीजिए, एक बार काउंट कर लीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, किसी में भी से भी एक बार माइनस कर दीजिए, वो कितनी है 2। सर आप 24 और उसमें 28 कर दिया तो टोटल हो गया, इसमें से एक बार के लिए हटा दो, कितनी टाइम्स हटाना है एक बार, तो एक बार क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना, क्योंकि हमें तो किसी भी एक को हटा दो। देखो आपने 2 टाइम्स काउंट किया ना, ये वाला 2 टाइम्स काउंट किया, आपको एक टाइम हटा देना है, क्योंकि दो बार तो जोड़ नहीं सकते किसी भी नंबर को, जैसे 99 एक बार गिनने तो दोबारा थोड़ी गिनोगे 99 को, तो क्या करना है इस बार एक बार माइनस कर दो, तो एक बार इसको माइनस कर दिया, ये रहा सर 44, और 44 में से 2 माइनस कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया सर 42 आ गया। तो सबसे पहले क्या किया, 9 से डिविजिबल, फिर 11 से डिविजिबल, फिर 9 और 11 दोनों से डिविजिबल पता किया, फिर हमें क्या करना है, क्योंकि ये देखो ये ध्यान रखना है कि अगर आप 9 से डिविजिबल सभी नंबर पता कर रहे हो तो उसमें सारे नंबर्स आएंगे, 9 और 11 से भी डिविजिबल आएंगे, और जब 11 से डिविजिबल कर रहे हो तो भी हमें 9 और 11 दोनों से डिविजिबल आएगी, तो दो बार काउंट नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, एक बार के लिए क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, तो एक बार हटा देंगे तो एक बार रहेगा हमारे पास में, और इस तरह हमारा आंसर आ गया 42। चलिए अब जिनको भी डाउट है वो अपना हैंड रेज कीजिएगा, और बाकी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर फ्रॉम, देखो साफ साफ फ्रॉम लिखा हुआ है, बिटवीन नहीं है, फ्रॉम 31 टू 180 डिविजिबल बाई बोथ 8 एंड 15, 31 से 180 तक 8 व 15 दोनों से विभाज्य, दोनों से विभाज्य कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, इतना इजी क्वेश्चन, और वो भी कहां से लेकर कहां तक, 31 टू 180, 31 टू 180, 31 से 180 तक कोई बिटवीन नहीं है, और किस किस से डिविजिबल, 8 एंड 15 बोथ, 8 एंड 15 बोथ दोनों से पता करना है। अब यहां पर डिविजिबल तो लिखा हुआ नहीं है, साफ साफ पहले क्वेश्चन में लिख दे कि दोनों से पता करना है, और ये तो फर्म से लेकर टू तक है, से तक है, तो हमें उसमें बिटवीन का भी काउंट नहीं करना, इसका मतलब 31 टू 180 तो उसमें 31 भी काउंट होगा और 180 भी काउंट होगा, क्योंकि बिटवीन लिखा होता तभी तो इन दोनों को छोड़ते हैं, तब तो कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां तक लेते हैं, लेकिन अभी तो अपने पास में लिखा हुआ ही नहीं है, बिटवीन टू लिखा हुआ है तो दोनों यहां से लेकर यहां तक सारे काउंट होंगे, और 8 एंड 15 दोनों से, वो भी क्या लिखा हुआ है, बोथ लिखा हुआ है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये थोड़े लिखा हुआ है केवल डिविजिबल, केवल डिविजिबल नहीं है, क्या लिखा हुआ है, बोथ, तो पहले बोथ का पता कर लेते हैं। अब जब बोथ का करना है तो हमें सबको पता है कि सर बोथ में तो एक ही होता है, जब भी हमारे साथ में अगर बोथ लिखा आ जाए या दोनों लिखा आ जाए तो हमें क्या करना है सर, LCM क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। अब देखो 8 एंड 15 का सबसे पहले LCM करते हैं, सबसे पहले 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 4 या 8 15 में डिवाइड होगा नहीं, फिर से 2 का डिवाइड किया, 2 2 या 4 15 में डिवाइड नहीं होगा, फिर से 2 का डिवाइड किया, 2 1 या 2 और 15 में डिवाइड हो रहा है। अब किसका सर, 3 का, 1 और 5, सर 5 का डिवाइड करेंगे, 1 और 1, चलिए LCM पता कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ओके 1 2 3 3 और 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सर 80 आंसर, एक मिनट रुकिए, 3 5 जा 15 और 15 8 जा कितना होगा सर, 120 होगा। अब सुनिए 120 आ गया, अब सर हमें ये जो नंबर हमारे पास में आई है ना, इसका इन दोनों में डिवाइड करना है, क्योंकि सर जब भी बोथ लिखा आ जाए तो हम हमेशा LCM करेंगे और LCM से जो नंबर रहेगा उसका फिर इनमें डिवाइड करेंगे, लास्ट नंबर 180 जिसमें किसका डिवाइड करना है, 120 का, माइनस फर्स्ट नंबर 31 उसमें किसका डिवाइड करना है सर, 120 का, क्योंकि बोथ लिखा हुआ है, LCM कर लिया, LCM का आंसर आ गया, फिर दोनों से डिवाइड कर लिया। सर 120 का अगर आप 180 में डिवाइड करोगे ना तो सर वन टाइम ही रहेगा, ये तो हमें पता है, क्योंकि टू टाइम करते 240 आ जाएगा इसका, तो वन टाइम, और तो सर ये तो वन टाइम ही आएगा, क्योंकि 120 माइनस करोगे तो 60 रहेगा, इसका कोई डिवाइड नहीं होगा, माइनस सर ये तो इसे स्मॉलर रहेगी, क्या कर रहे हो, जीरो रहेगा, वन माइनस जीरो तो कितना रहेगा सर, वन, और इस तरह हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर नंबर 4 जो कितना है सर हमारे पास में, वन लिखा हुआ है। दोबारा समझ लो, जब भी आपके सामने अगर बोथ लिखा है या दोनों लिखा आ जाए तो हमेशा क्या करना है सर, LCM लेस से करना है, और हमने दोनों का LCM कर लिया, 8 और 15 का जब LCM किया तो 120 हमारे पास में रहा, अब जब 120 हमारे पास में आ गया है तो लास्ट नंबर सर 180 उसमें कर दिया डिवाइड, 120 का फर्स्ट नंबर 31 उसमें हमने 120 का डिवाइड कर दिया, दोनों में जब 120 का डिवाइड कर दिया तो सर 180 में डिवाइड किया तो वन टाइम, माइनस 31 स्मॉलर था तो जीरो आ गया, वन माइनस जीरो कितना आ गया सर, वन आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सोल्व कर लिया, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सोल्व करेंगे। अब जो नेक्स्ट तो संडे रहेगा, लेकिन नेक्स्ट संडे को तो क्या रहेगी हमारे पास में, दिवाली रहेगी, कोई बात नहीं है ना,